शासन क्या होते है, अतिक्रमण होता है तो सामान उठा के ले जाती है और परेशान करती है जी। हाँ, और खाने का रहने का बसेरा ही खराब करती है शासन। मजदूरी करके ही जो पैसा निकालते हैं तो 10% ब्याज से ही उठा के ही सामान गिरवी धर के ही सामान लेके आया जाता है। न गरीब के लिए न राशन कार्ड है, न खाने के मोहताज है। गरीब न होते तो पर रोड पर बैठ के कमा खाते क्यों, ये तो बताइए। तो फिर वो कौन से गरीब है जिनके बारे में सरकार कहती कि हमने इतने घर बना दिए, इतने शौचालय दे दिए। आखिर गरीब तो आप लोग भी हैं, तो वो कौन से गरीब हैं, वो कहाँ किस तो दुनिया ये में जो शहर के लोग का अमीर है जिनको मिटा रहे हो, ये बताइए। जो रोड पर जिनके मकान है सब व्यवस्था है, ये रोड की पूरी बस्तियां तोड़ देंगे तो उनको क्या हाल हुआ, उनको क्या मिला, सरकार ने क्या दिया। आप प्लेन में घूमते, सरकार है प्लेन में घूम रही, पब्लिक के पैसा पे, किसके पैसा पे, ये जो पब्लिक है इसी का एक एक रुपया जो जा रहा है उस पर तुम ऐश कर रहे हो, मंत्री बने हो, प्लेन में घूम रहे बड़ी बड़ी उस पर, ये पब्लिक की सुविधा क्या कर रहे, कह रहे रोड बन रही जगह उनके लिए खाने के लिए दाना नहीं मिल रहा, तो क्या करेगी पब्लिक। क्या आपको भी सिलेंडर मिला? नहीं मिला, हमको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ डायरेक्ट कोई दो बच्चे हैं, कोई योजना का लाभ ही नहीं मिला, रोटी कुछ नहीं चलती। उम्मीद, आशा, होप, कहने को तो ये तीन भाषाओं के एक ही शब्द हैं, लेकिन तीनों शब्द का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो चेहरे की मुस्कान के तौर पर सामने आता है। आप मेरे पीछे स्ट्रीट में होने वाले व्यवसाय को देख सकते हैं, रोड के किनारे होने वाले बिजनेस को देख सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ गमले हैं, कुछ मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, और इन बर्तनों के साथ इन बर्तनों को बेच करके गुजारा करने वाले कुछ लोग हैं। उनके व्यवसाय को लेकर के, इनके जीवन को लेकर के, और जीवन में इनके सामने हर रोज आने वाली चुनौतियों को लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रक्तवाल। कहाँ से हैं? निश्चित तौर पर यहाँ से तो लोकल के आप होंगे नहीं, कहाँ से हैं आप? रहने वाले मंझौली। कहाँ? इंद्राना मंझौली। ये कितना दूर है लगभग जबलपुर से? 80 किलोमीटर। तो सीजन में यहाँ पर आप लोग ये बेचने के लिए आते हैं या फिर हमेशा दुकान लगा? तो शासन प्रशासन को कुछ पैसे भी देने पड़ते होंगे? नहीं, शासन सामान उठा के ले आप इधर ही आ जाइए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, आ जाइए इधर जी। हाँ, तो शासन क्या होते है, अतिक्रमण होता है तो सामान उठा के ले जाती है जी, और परेशान करती है जी। हाँ, और खाने का रहने का बसेरा ही खराब करती है शासन, ये समस्या है पब्लिक की। और यहाँ पर जैसे रोड के किनारे आप लोग का बिजनेस जो चल रहा है, हाँ, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे कम लोग ही आते हैं। कमी लोग आते हैं। तो क्या रेट होते हैं आपके यहाँ दुकानों में? दुकानों में रेट वो है, सामान महंगाई पे मिलता है, रेट क्या है, ग्राहक कम रेट मांगता है जी। अब उसमें बसेरा करेंगे कि कमा खाएंगे कि उसमें मजदूरी निकालेंगे जी। ये सब चीज है। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में दो बच्चे हैं और दो मियां बीवी हैं। तो इस महंगाई भरे दौर में जो जीवन गुजारना होता है, जीवन यापन करना होता है, उसमें तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप लोग इस तरीके से जो स्ट्रीट व्यवसाय करते हैं, एक बिजनेस करते हैं छोटा सा, तो घर चल पाता है क्या? नहीं चल पाता, लेकिन यहाँ वहाँ से कर्जा करके ही काम चला रहे हैं। ये बनाते आप लोग खुद हैं? नहीं, लेके आते हैं। कहाँ से लाते हैं? ये मजदूरी करके ही जो पैसा निकालते हैं तो 10% ब्याज से ही उठा के ही सामान गिरवी धर के ही सामान लेके आया जाता है। नुकसान भी हो जाता होगा बारिश होने पे, या फिर बारिश होने पे नुकसान होता है, अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण रोड बन रहा है उस पर टूट फूट होती है, बहुत नुकसान होता है उस पर। और जो शासन प्रशासन के बारे में आपने जैसे कहा कि उठा ले जाते हैं, हाँ, तो वो कुछ नहीं देती जी। हाँ, न गरीब के लिए न राशन कार्ड है, न खाने के मोहताज है। राशन कार्ड भी आप लोगों का नहीं है? प्रधानमंत्री आवास योजना वहाँ गांव में यहाँ कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला प्रधानमंत्री योजना का लाभ किसी वर्ग को इस समय, और इसीलिए शायद आप लोग यहाँ पे, पूरी पब्लिक परेशान है यहाँ की, किसी को फायदा नहीं मिला प्रधानमंत्री योजना का जबलपुर के अंदर। ये गांव-गांव में दिया है, गांव में देने से क्या शहर वालों को तोड़ फोड़ के मिटाओगे क्या, बताइए। नहीं, मैं गांव जानना चाहता हूं, गांव में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, कोई योजना नहीं मिली, किसी को योजना नहीं मिली यहाँ। क्या आप लोग गरीब नहीं है? क्यों नहीं है गरीब? गरीब ना होते तो पर रोड पर बैठ के कमा खाते क्यों, ये बताइए। तो फिर वो कौन से गरीब है जिनके बारे में सरकार कहती कि हमने इतने घर बना दिए, इतने शौचालय दे दिए।
आखिर गरीब तो आप लोग भी हैं, तो वो कहाँ उनसे गरीब हैं, वो कहाँ किस दुनिया में। ये जो शहर के लोग का अमीर है जिनको मिटा रहे हो, ये बताइए जो रोड पर जिनके मकान है सब व्यवस्था है, ये रोड की पूरी बस्तियां तोड़ देंगे तो उनको क्या हाल हुआ, उनको क्या मिला, सरकार ने क्या दिया? मतलब सिर्फ कह सकते हैं कि हवा हवाई हवाबाजियां चल रही। वो आप प्लेन में घूमते, सरकार है प्लेन में घूम रही, पब्लिक के पैसा पे, किसके पैसा पे, ये जो पब्लिक है इसी का एक एक रुपया जो जा रहा है उस पर तुम ऐश कर रहे हो, मंत्री बने हो, प्लेन में घूम रहे बड़ी बड़ी उस पर, ये पब्लिक की सुविधा क्या कर रहे, क्या रोड बन रही जगह उनके लिए खाने के लिए दाना नहीं मिल रहा तो क्या करेगी पब्लिक, तो भड़केगी नहीं पब्लिक, क्या होगा बताइए, कि उनके खातों में कुछ दिया जा रहा, क्या दिया पब्लिक को किसी को, ये जो रोडों के घर बस्तियां बनी है उनके मकाने टूट गया रोड पे, तो उनको क्या मिला, कुछ मिला, कुछ नहीं दिया। और जो ये आप लोगों ने टेंट लगाया हुआ है जैसे, तो जब प्रशासन आता होगा तब तो ये टेंट भी उखड़वा दिए जाते होंगे। उखड़वा देते, पैसा भी लगता है, प्रशासन पैसा भी लेती है। पैसा किस लिए? रसीद कटती है उसकी, और रसीद कटने के बाद फिर उजाड़ दिया जाता है, एक रात अचानक से कोई आता है और आपका पूरा मिटा दिया जाता है, पूरा मिटा दिया जाता है, तो उसके लिए उसका भुगतान कौन करेगा? नगर निगम कहती मैं कुछ नहीं, नगर निगम खुद भूखी मर रही है।